बच्चों, आज आपको हम हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ छः में चार अक्षर वाले शब्द हैं। चार अक्षर, अभी तक आपने तीन अक्षर का शब्द पढ़ा, चार अक्षर स्वर और व्यंजन मिला के इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। अजगर लिखा है, सरपट, कटहल और अकबर मैंने लिख दिया है। और इसको कैसे लिखेंगे अलग अलग करके, इसमें है स्वर और व्यंजन मिक्स करके बनाया गया है। हम इसको अलग अलग शब्द करेंगे, कैसे करते हैं आइए आपको हम सिखाते हैं। यहाँ देखिए अ, आजकल को अलग करेंगे, अ प्लस च प्लस क प्लस न, ये हो गया आपका। ये अलग अलग कर दिया मैंने, आजकल को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, एक साथ लिखा है, शब्द बना दिया है और यहाँ पे मैंने एक एक अक्षर अलग अलग लिखा है प्लस करके, ठीक है। इसको मिलाएंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ से मिलाएंगे इसको और यहाँ पे लिख देंगे आपका आजकल। फिर हम यहाँ पे आ गए सरपट, फिर इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम तोड़ेंगे सबको लिखेंगे। सबसे पहले स प्लस र प्लस क प्लस त, देखिए यहाँ मैंने अलग अलग कर दिया है, स प्लस र फिर प्लस फिर प फिर प्लस ट कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक साथ मिला के लिखेंगे इसको। मिलाएंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम, आप देखिए कैसे बताते हैं आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे स और ये जो आपका प्लस है इसको हटा देंगे, प्लस को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे र, फिर प्लस हटा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे प, फिर प्लस हटा देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे त। तो ये आपका एक शब्द बन गया, ये अलग अलग शब्द है, स प्लस र प्लस प प्लस ट, और ये प्लस जब हम हटा देंगे तो ये सारा यहाँ मिलकर, ये सारे मिलकर एक शब्द बन जाएंगे, उसको पढ़ेंगे सरपट। ये चार अक्षर के शब्द हैं। यहाँ आइए देखिए कटहल, अब कटहल को हम अलग अलग करेंगे कैसे, क प्लस त प्लस ह प्लस ल, फिर हम यहाँ पे मिला देंगे इसको, मिलाएंगे इसको, फिर जैसे मैंने ऊपर बताया है इस यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे क और जो प्लस है प्लस हटा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ट, फिर प्लस हटा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ह, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस को हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ल। तो ये आपका एक शब्द बन गया कटहल। फिर यहाँ अकबर, अब इसको करेंगे यहाँ पे अ प्लस क प्लस ब प्लस ल, अब यहाँ पे इसको मिला के लिखेंगे, ये अलग अलग शब्द हो जाते हैं, एक शब्द नहीं ये अक्षर हो जाते हैं अलग अलग, जैसे अ क ब र, बीच में प्लस जब आ गया तो ये शब्द आपका जो क्या हो गया, ये अक्षर आपका अलग अलग हो गया और इसी को जब हम प्लस हटा देंगे मिटा देंगे तो ये शब्द आपका मिलकर एक शब्द बन जाएगा, उसका एक अर्थ होगा। ये अ का कोई अर्थ नहीं, क का कोई अर्थ नहीं, लेकिन इसका जब एक शब्द बना देंगे जैसे अकबर, तो अकबर एक नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे अ क ब र, यहाँ पे मिला दिया है, तो इस तरह फिर हम इसको मिलाएंगे ऐसे और इसको मिला के लिखेंगे एक साथ अ क, प्लस हटा रहे हैं क ब र, यहाँ पे हो जाएगा आपका अकबर।
मैंने आज आपको बताया चार अक्षर वाले शब्द कौन कौन से हैं। चार अक्षर वाले अजगर, सरपट, कटहल और अकबर, ये आपने आज जाना। और इसको आप राइट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा। आज का ये होमवर्क है, चार अक्षर वाले शब्द पढ़ें और लिखें। ओके, थैंक यू।